मनदीप कौर, कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एट पटेल हॉस्पिटल। आज मार्च 3 है जो कि वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट करा जाता है ग्लोबली। सो आज इस दिन के अवसर पर वील डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हम लोग क्या कॉजेज हैं, किन कारणों से हियरिंग लॉस होता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हियरिंग लॉस अगर हो जाता है किसी पेशेंट को तो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 450 मिलियन लोग हैं जिनको हियरिंग लॉस है। इस हियरिंग लॉस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसके दो टर्म्स हैं, जिसमें एक डेफनेस है। डेफनेस मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग। अगर कोई पर्सन है जिसको एक प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, दैट पर्सन इज़ डेफ। एक है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें पेशेंट सुन पाता है बट उसकी सुनने की क्षमता है जो कम हो जाती है। उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या फिर सिवियर हो सकता है। ऑल्दो एक ऑडियोमेट्रिक लाइन है, सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि अराउंड 1 बिलियन यंग पीपल हैं हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द हियरिंग लॉस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड, जो इनको एक्सपोजर मिल रहा है टू द नॉइस पोल्यूशन बाय द ट्रैफिक, जो यूजेज ऑफ हेडफोन्स है, यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स है, एज वेल एज जो उनको एक्सपोजर टू नॉइज़ है द क्लब्स और इन द पार्टीज। सो अगर यही सिचुएशन हमारी रहती है सो हमारा जो 450 जो मिलियन लोग हैं वो डबल हो जाएंगे इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। सो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हियरिंग लॉस के। द मोस्ट कॉमन कॉज जो है, जो इंडिया में है, जो प्रिवेलेंट है, जो कि 30-40% ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, दैट इज़ इन्फेक्शन, और जो जिसको बोला जाता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अगर ये इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहे, जिसको कि कहते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा रहती है, तो उसको वो क्रॉनिक बन जाती है। सो ये जो इन्फेक्शन है ये स्टार्ट होती है बच्चा जो है जब यंग एज में होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको टॉन्सिलाइटिस की बार बार खांसी होता रहता है, ज़ुकाम होता रहता है, जिनको नाक के पीछे वाला टॉन्सिल या मुंह का टॉन्सिल जो बढ़ जाता है, तो उस एक ट्यूब के थ्रू, जिसको बोलते हैं रिसेप्शन ट्यूब, उस ट्यूब के थ्रू जो है इन्फेक्शन कान में चला जाता है। सो पेशेंट प्रेजेंट करता है कि जिसको दर्द होता है या जो है कान में पानी आता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एमरजेंसी। अगर हम इसको तुरंत ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारा जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको हियरिंग लॉस होता जाएगा। इस इन्फेक्शन को हम लोग मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, पेशेंट को दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे उसकी कान की सोजिश कम हो, कान की जो है बस कम हो। इसके अलावा अगर पेशेंट का कान का पर्दा फट जाता है या कान के पीछे की हड्डी की इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस केस में हम लोगों को एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ता है, एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, जिसमें हम कान की पस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं मास्टेक्टोमी। सो इन सभी प्रोसीजर से हम पेशेंट की जो है हियरिंग लॉस है और वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कान में जो स्मॉलेस्ट बोन्स, जो सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं कान की, वो 3 होती हैं, तो वो आपस के साथ जुड़ी होती हैं, जो हमारी हियरिंग को हेल्प आउट करती हैं। सो विद प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, तो उसका जो है कान के पर्दे फटने के साथ साथ उसकी कान की हड्डियाँ भी गलने लग जाती हैं। सो जिसको हम एक ऑसिकुलोप्लास्टी नाम के प्रोसीजर से, जिसमें हम एक बाहर का यंत्र डाल के उसकी कान की जो है सुनाई बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल वी कैन डू, और इससे हम लोग जो है एक बच्चे को जो है डेफ होने से या बच्चे को हियरिंग इम्पेयर्ड होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, जो कि एक्सपोजर टू नॉइज़ की वजह से है, और जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स अराउंड 50% लोग जो हैं यंगस्टर्स हैं, वो या तो बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है दे आर एक्सपोज टू द लाउड नॉइजेस, या फिर जो है दे यूज़ द हेडफोन्स एट अ वेरी और दे यूज़ द मोबाइल फोन्स एट अ वेरी हाई वॉल्यूम, जिससे जो है स्लोली एंड स्लोली हमारे कान के अंदर के हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें एक सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका प्रिवेंशन। अगर हम इसको प्रिवेंट करेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक बार सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस स्टार्ट्स डेवलपिंग, देन द अल्टीमेट ट्रीटमेंट विच वी हैव टू डू इज़ कि हम लोगों को उसको हियरिंग एड लगाना पड़ता है। अगर किसी पर्सन को एकदम से सुनना बंद हो जाए, चक्कर आने लग जाए या फिर कान में सीटी जैसी आवाज़ आने लग जाए, सो दिस कुड बी अ सडन हियरिंग लॉस। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें या उसने कोई ऐसी दवाई खा ली है, या एकदम कोई चोट लग गई है, या
मान के चलिए कि कोई ऐसी कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है जो हम लोगों को बाहर से नहीं दिख रही, बट उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, उसकी नर्व्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगी और पेशेंट का सडन हियरिंग लॉस हो सकता है। इस सडन हियरिंग लॉस को अगर हम पहले 48 या 72 घंटों में ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट को जो है कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है, पेशेंट डेफ हो सकता है। इनको हम कुछ दवाइयों के माध्यम से जैसे कि स्टेरॉइड से या फिर जो है कुछ इंजेक्शंस, जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस जो हम कान के अंदर लगाते हैं, हम उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हम 80-90% हियरिंग पेशेंट की जो है रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉज है दैट इज़ कंजनाइटल। कंजनाइटल कॉज हम लोग बोलते हैं कि अगर हम जो है कोई बच्चा है जो पैदा हुआ है जिसको शुरू से ही हियरिंग लॉस है, जिसको शुरू से ही नहीं सुनता है, सो इसका कॉज जो अगर मदर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको फीवर हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, इससे क्या होता है कि पेशेंट बच्चे के जो अंदर उसके हेयर सेल्स डैमेज होने लग जाए जिससे पेशेंट जो है चाइल्ड है वो डेफ पैदा हो सकता है। छोटे से ऑपरेशन के थ्रू जिसको एक कॉकलर इम्प्लांटेशन बोलते हैं, कान के अंदर वो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स इनर ईयर में जाते हैं और उसको बाहर हम लोग एक एड से कनेक्ट कर देते हैं और जिससे कि जो है पेशेंट जो है बच्चा जो है सुन पाता है। इसके अलावा प्रेस बाइक्यूसिस है। प्रेस बाइक्यूसिस की अगर ओल्ड एज होती रहती है तो स्लोली एंड स्लोली जो हेयर सेल्स हैं वो डिजनरेट करते हैं स्लोली एंड वो देयर इज अ लॉस ऑफ हेयर लॉस जो हमारे इनर ईयर में होते हैं जहाँ पे हमारी नर्व्स होती हैं, तो उससे हमें जो विद एज पेशेंट को सुनना कम शुरू हो जाता है। सो इसका भी जो ट्रीटमेंट है दैट इज मेनली जो है हियरिंग एड्स से ही करा जा सकता है। 83% ऑफ द पीपल जिनको हियरिंग एड्स एडवाइस करी जाती हैं दे आर नॉट एबल टू यूज इट। सो दिस इज अगेन अ कंसर्निंग बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं जो प्रिवेंट करती हैं एक नॉर्मल हियरिंग के लिए या प्रिवेंट करती हैं जिससे एक पेशेंट को हियरिंग लॉस रहता है, सो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ WHO अराउंड $750 billion विच आर गेटिंग वेस्टेड पर ईयर, सो दिस इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमिक बर्डन। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि जब भी कभी भी किसी पर्सन को घर में जैसे जिसको जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कान में सुनने की कमी होती है, कान में से पानी आता है या शांशा की आवाज़ आती है या चक्कर आते हैं, तो उसे तुरंत किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में लेके जाएं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अराउंड 70-80% जो कॉजेज हैं वो ट्रीटेबल हैं, जो अगर ट्रीट हो जाते हैं तो हम पेशेंट की हियरिंग पर्सन की हियरिंग को जो है सेव कर सकते हैं। सो इन द एंड आई विल से दैट on this World Hearing Day, I would like to wish you all a very healthy hearing. Thank you.